अरे आओ मोहन। नमस्ते छोटी माँ। I'm sorry छोटी माँ कि मैं पहले नहीं आ सका। एक तो दो दो जॉब को एडजस्ट करना और फिर घर को भी सेट करना था, इसलिए आने में देर हो गई। मुझे मालूम है, मैं तुम्हारे घर गई थी, दीदी ने मुझे सब बताया। अच्छा बैठो ना, बोलो क्या लोगे, चाय कॉफी? नहीं नहीं छोटी माँ कुछ नहीं, बस आप ये मिठाई रखिए। अच्छा मुझे बताओ क्या पूरा पढ़ाई में ध्यान दे रहा है या नहीं? अब छोटी माँ इन हालातों में वो जितना कॉन्सेंट्रेट कर सकता है उतना करने की तो कोशिश कर रहा है, और फिर वो इन क्लासेस के लिए नया भी है, शादी हो जाएगी तो वो सेट हो जाएगा। यू थिंक सो? आई एम श्योर। अच्छा मैं इसलिए भी आया था कि अगर पूरब की शादी में किसी भी काम की जरूरत पड़े तो आप मुझे जरूर बुला लीजिएगा। इट्स ओके मोहन, मेरी शादी में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी शादी बहुत ही मामूली तरीके से होगी मोहन, सिर्फ घर के ही लोग होंगे। मुझे पता है पूरब के सिर्फ हमारे घर के ही लोग होंगे, लेकिन शादी में बहुत सारे इंतजाम करने होंगे और वो इंतजाम पूरा नहीं कर सकते। हाँ मोहन, ये नहीं जानता, कोई भी शादी मामूली नहीं होती, तुम्हारी जरूरत तो पड़ेगी और मैं खुद तुम्हें बुला लूंगी। जी छोटी माँ। अच्छा मैं चलता हूँ, बाय पूरब। देखो राधा, जितनी तुम परेशान हो उतना ही मैं भी परेशान हूं। मैं जानता हूं कि मेरे पिताजी का बाहर रहना तुम्हारी जान के लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन फिक्र मत करो, मैं कमिश्नर साहब से बात करूंगा इस बारे में। देखो माँ जी, सुखी रहो, सुखी रहो। क्या बात है माँ, आप बहुत परेशान लग रही हैं। बात ही इसी बेटा, तुम्हारी बहन पद्मा। क्या हुआ पद्मा को? पद्मा माँ बनने वाली है। मैं उस लड़की किरण से मिलने गई थी, लेकिन वो इतना बेशर्म है कि साफ मुकर गया। कह रहा था कि बच्चा तो किसी का भी हो सकता है। मैं जानता था ये पद्मा कोई ना कोई मुसीबत जरूर खड़ी करेगी। लेकिन अब करें क्या बेटा? करना क्या है माँ, मैं अभी जाकर उस किरण के बच्चे को ठीक करता हूँ, देखता हूँ कैसे शादी नहीं करता है पद्मा से। धनराज तुम कहीं नहीं जाओगे। ये तुम क्या कह रही हो बहू? माँ जी मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो इनके पिताजी इन्हीं को दोषी समझेंगे। पहले भी ये दो बार पद्मा के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन क्या फायदा हुआ उससे? पहले जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन अब पानी सर से गुजर रहा है। माँ जी पानी तो सर से गुजर चुका है, आप दुलारी चाची से कहिए कि पद्मा को किसी अच्छे से क्लिनिक में ले जाए और उसका अबॉर्शन करवा दे। राधा क्या कह रही हो तुम? इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा भी तो नहीं है धनराज। चारा क्यों नहीं है? मैं उस किरण के बच्चे को शादी करने के लिए मजबूर कर दूंगा। तुम्हें कावार और बदतमीज लड़के से अपनी बहन की शादी करा के तसल्ली मिलेगी क्या तुम्हें? राधा मैं इस वक्त तुमसे बहस करने के मूड में नहीं हूँ। धनराज मैं बस। माँ तुम घर जाओ, मैं उस किरण के बच्चे से निपट कर आता हूँ। जाओ। पूरब मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि तुम मोहन के साथ इस तरह की बातें मत किया करो। आज के बाद ये कहना बंद कर दो माँ, मैं जो बर्ताव मोहन के साथ करता हूँ बिल्कुल सही करता हूँ, वो इसी लायक है। आपने देखा नहीं वो किस बेशर्मी के साथ ये कहने की कोशिश कर रहा था कि वो इस फैमिली का एक मेंबर है? आप ही बताइए क्या वो इस फैमिली का है, इस खानदान का है? तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है पूरब, तुमने मुझे एक दो बार अपसेट होते हुए देखा है, क्योंकि तुम्हारे पापा जब ज्यादा वक्त दीदी के घर गुजारते तो मैं अपसेट जरूर होती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बेटा कि दीदी मोहन और गौरी हमारे परिवार के नहीं है, हम सब एक ही परिवार के हैं। अपनी हार मान लो माँ, दिल में तो आप मानी चुकी है कि आपका पति आपके हाथ से निकलता जा रहा है, फिर हमें ये विश्वास दिलाने की कोशिश क्यों कर रही है कि सब कुछ ठीक है? इस तरह की जहरीली बातें मत किया करो पूरब, तुम जब ऐसी बातें करते हो ना तो ऐसे लगता है जैसे मेरा बाप मेरे मुंह से बोल रहा है। यही कहना चाहती है ना, आप तो दिल में ये फैसला कर ही चुकी कि मुझ में जो बुराइयां हैं वो मुझे मेरे पाप से मिली, और अच्छाइयां वो तो कुछ है नहीं।